पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्रकार ये तीन परमात्मा है, तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो कुल मालिक है वो कबीर देव है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका और एक कवि की भूमिका, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपना कार्य संपन्न करके सहसरी चले गए थे। पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 और 86 में, वैसे तो वेदों के अंदर पूर्ण रूप से पूरी महिमा कबीर परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म उस पूर्ण परमात्मा की ही वर्णित है, लेकिन हम परमात्मा की परिभाषा से अपरिचित रहे, क्योंकि जिनको हम वेदों के ज्ञाता मानते थे, विद्वान मानते थे, वो वेदों के ज्ञान से अपरिचित थे, केवल एक संस्कृत भाषा जरूर अवश्य जानते थे। अब उस पर उन्होंने परमात्मा की परिभाषा को विपरीत कर रखा है कि भगवान निराकार है, केवल वो सर्वव्यापक है, कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। कुछ एक ने ऐसा भी कहा है कि वो ब्रह्म लोक में रहता है, और फिर वो भी कहते हैं वो निराकार है, वो किसी के समक्ष नहीं आता। इस प्रकार की जो उलट पुलट थ्योरी बनाकर के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया, जिस कारण से सभी मानव अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी अटकल लगा करके ज्ञान प्रचार, ज्ञान आधार बना करके भक्ति कर रहे हैं, वो लोक वेद है। लोक वेद उसे कहते हैं, लोक वेद उसे कहते हैं जो अक्षेत्रीय ज्ञान हो और स्वयं विचार विमर्श से जो सेट किया गया हो, उसको लोक वेद कहते हैं। सुना सुनाया ज्ञान जिसका कोई आधार ना हो उसको लोक वेद बोलते हैं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं ही अपनी महिमा आप ही व्याख्यान करते हुए बोलते हैं हमें समझाने के लिए। कबीर, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। अब लोक वेद के साथ कैसे लगे जा रहे थे, जैसे ये दास पहले पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण पहले हनुमान जी का पुजारी था, श्री कृष्ण और भगवान शिव के पुजारी था, अपना एक और देवता होता सबका पर्सनल बाबा श्याम जी का पुजारी था, फिर जो भी कोई देवता के विषय में और भी कोई महिमा सुनी तो उसके भी पुजारी थे। हम श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मानकर आश्रित थे।
ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम सुप्रीम पावर मानते थे, इनको अजर व अमर सुना करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये हम इस ज्ञान से हम परिचित थे। ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, यानी एक दूसरे से सुनी सुनाए, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था, ये तत्व ज्ञान नहीं था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में बताया है कि जो अभी श्लोक 25 से लेकर 31 तक मैंने आपको वर्णन किया है अर्जुन, कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवता पूजता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई प्राणायाम आदि करके, कोई योगा पर तक सीमित है, इस प्रकार के ज्ञान परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे विस्तार से कहे गए हैं। वो विशेष ज्ञान है, वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के पथमी मंत्र में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, जैसे तना कौन है, कौन भगवान समझो, क्योंकि संसार का वृक्ष का एग्जाम्पल दे करके प्रभुओं की, उनकी अपनी अपनी महिमा समझाई गई है, प्रभु की परिभाषा बताई गई है। जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्ते आदि सभी विभागों को विस्तार से बतावे, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो कबीर परमेश्वर जी ने आकर स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कह रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, हमें बता रहे हैं जो अज्ञानतावश शास्त्र विरुद्ध साधना और ज्ञान ग्रहण किए हुए थे। रस्ते में सतगुरु मिले और दीपक दे दिया हाथ। अज्ञान रूप अंधेरे में लोक वेद के आधार से जो साधना यानी भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में जो हम अंधेरे में ठोकरें खा रहे थे, उसमें हमें तत्व ज्ञान रूपी एक दीपक प्रभु ने, सतगुरु ने दे दिया। अब उसकी रोशनी में हम ठोकर खाने से बच गए, हम देखकर ठीक मार्ग से चल रहे हैं, और पहले हम आंख अंधेरे में भटक रहे थे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोकवेद क्या था? हम श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर अमर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ऐसा मान करके इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्वज्ञ और मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वा, सबके मालिक, कुल के सर्जनहार, पता नहीं के उपमा दे रखी थी। अब पहले मानव समाज अशिक्षित था, केवल एक यानी हिंदू समाज पहले अशिक्षित था, लेकिन हिंदू समाज का एक वर्ग जिसको ब्राह्मण कहते थे, वो मुट्ठी भर होते थे, बहुत ही कम संख्या में, वो टीचर होते थे, उनको गुरु कहते थे, और हम समझते थे कि ये गुरु जी हैं, ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत को जानते हैं और वेदों और गीता और पुराणों को इन्होंने ठीक से समझा है, और ये जो ज्ञान हमें बता रहे हैं वो फाइनल है। जबकि कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास मैं, अब मैं तुमसे धर्मदास, ये जग बौराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा, कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है, और यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कही एक राम न्यारा, राम राम सब कोई बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे तीन त्रिदेवन की, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताता हूं कैसे हुआ। तो क्या बताते हैं कि
इनके माता पिता जो है, पिता इनका ज्योति निरंजन है और दुर्गा इनकी माता है। तीन पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, 600 वर्ष पहले प्रभु जी ने, परमेश्वर ने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए ये यथार्थ ज्ञान हमें बताया था अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद गण की वाणी में, पांचवें वेद में, सूक्ष्म वेद में। लेकिन उस समय हम परमात्मा की इस अमर वाणी पर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि हम यानी मानव समाज, हिंदू समाज, पवित्र हिंदू समाज, उन नकली गुरुओं के द्वारा भ्रमित कर दिया गया था कि कबीर जी अशिक्षित हैं, इनको अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों से अपरिचित हैं, ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये नाशवान है। तो मानव समाज ने ये बात विशेषकर ग्रहण कर ली, सत्य मान ली कि हमारे गुरुजी शिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान युक्त हैं, संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान हैं और सभी सदग्रंथ पुराण वेद और गीता जी सभी संस्कृत भाषा में लिखे हैं। तो कबीर जी झूठ बोल रहे हैं, उस परमेश्वर की वाणी अमर है और सत्य है, क्योंकि वो सत्य पुरुष हैं, वो सच्चे भगवान हैं, उनका एक एक शब्द सच्चा है। उसमें हम ये लाल के पहचानने योग्य नहीं थे, अब हम लाल पहचानने योग्य हो गए, हम सभी शिक्षित हो गए और सदग्रंथ अब कृपा करवाई परमात्मा ने उन्हीं संस्कृत के विद्वानों द्वारा हिंदी में अनुवाद करवा दिया। अब हम, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ उलट सुट भी किया लेकिन वो सच्चाई को छुपा नहीं सके, इसलिए अनुवाद करना पड़ा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि चोर चुराई तूंबड़ी वो गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। एक तुम्बा होता है, एक फल सीताफल के जैसा, पेठे जैसा, उसने तुम्बा बोलते हैं। अच्छा बड़ा हो जाता है वो, ऐसे पूरी गेंद सी, अंदर से उसके बीज निकाल दिए जाते हैं और वो खाली खोखा रह जाता है। तो कहते हैं किसी चोर ने वो तुम्बा चुरा लिया और उसको छुपाने के लिए पानी में छुपाने लगा, वो नीचे छोड़ का आवे वो साथ ही ऊपर आ ले, वो नीचे दबावे वो साथ ही ऊपर आ जावे, यानी दबया नहीं छुपा नहीं। तो कहते हैं इन अज्ञानियों ने सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की अनुवाद करते समय, लेकिन फिर भी ये छुपा नहीं सके। कहते हैं चोर चुराई तुम्बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदुस्तान की पवित्र प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें पवित्र हिंदू समाज के लिए एक करेंसी की तरह है, यानी बिल्कुल उसमें नो डाउट जो उसमें लिखा फाइनल है। और उसको पढ़कर पवित्र हिंदू समाज इस बात को समझ रहा है कि हमें गलत ज्ञान ग्रहण था, हम समझ नहीं सके। अब वो पुण्यात्माएं जाग रही हैं, क्योंकि जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो अनाड़ी नहीं होते, वो बहुत पोलाइट होते हैं और वो तुरंत सत्य को देख कर स्वीकार कर लेते हैं। और परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते ने और ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में बिना दे। आँखें देख कर और सब प्रमाण देख रहे हैं फिर भी कोई नहीं मानता है, तो कहते हैं परमात्मा उसके तो दर्शन भी ना हो से निकम्मे के, क्योंकि वो भगवान नहीं चाहता, वो शत्रु है इस समाज का, मानव समाज का, वो उल्टा ज्ञान ग्रहण किए हुए है और सत्य को मानना नहीं चाहता। तो जो परमात्मा की महिमा को आंखों देखकर मान लेते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं और मानना चाहिए। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी पढ़कर सुनाते हैं आपको। दास ने नहीं लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अनुवादक कौन है ये आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्रीमद् देवी भागवत और ये इसके संपादक
अनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है और अच्छी तरह डिटेल से देख लीजिए। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे कति क्लियर कर रखा है, और सकंद तीसरा यहाँ देखिएगा 123 पृष्ठ पे है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार यह सारा संसार तुम्हीं से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट हुए हैं, अर्थात विष्णु का जन्म भी आपसे ही हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बच्चे हुए बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये तो हमारे पवित्र सदग्रंथ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण ने, देवी पुराण ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है, और दुर्गा इनकी माता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। ये हमारे सदग्रंथ आज हमें प्रमाणित कर रहे हैं। ये 600 वर्ष पहले भी ऐसे ही लिखा था, पर वो ही अंग्रेजी इसमें संस्कृत में लिखा था और हम पढ़ नहीं सके, और अन्य वर्ग को ब्राह्मणों के अतिरिक्त संस्कृत पढ़ना अलाउड भी नहीं था, ऐसा प्रतिबंध था। अब परमेश्वर ने क्या बताया था 600 वर्ष पहले, वो भी सुनिए। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। परमात्मा कह रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा, धर्मदास जी को आकर समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि धर्मदास जी एक बहुत अच्छी पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा थी, परमात्मा को चाहने वाली। वो पहले हमारी तरह लोक वेद के आधार पर राम कृष्ण और विष्णु और ब्रह्मा जी के ऊपर आश्रित, विष्णु जी और शिव जी पर आश्रित था, जैसे भी उनके गुरु जी ने ज्ञान दिया था। रूपदास जी ने वो 68 तीर्थों की भी यात्रा किया करता था और एकादशी का व्रत भी करता था, जैसा भी हम सभी डले ढो रहे थे वो भी ढो रहा था। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से आकर उन्हें मिले थे। अपुण्यात्माओं, हमने परमात्मा को पहचानना है, और ये सत्संग एक टीचिंग प्लेस है, एक शिक्षा स्थल है, स्थल है, और आप विद्यार्थी हैं, और ये दास इसका लेक्चरर बना दिया भगवान ने, टीचर बना दिया, स्पिरिचुअल टीचर बोलते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल लीडर, इस धार्मिक शिक्षक बना दिया, और आप शिक्षित हैं, बालक नहीं है। आज मानव का दिमाग इतना विकसित है, इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, इतने सुंदर आइटम बना दिए, सोच भी नहीं सकता कि मानव बना सकता है। तो अब इसी इंटेलिजेंट मानव को, इसी बुद्धिमान मानव को परमात्मा की तरफ डाइवर्ट करना है, बस इतनी सी बात है।
और फिर ये अच्छी तरह इस परमात्मा को समझ लेगा, फिर इस तरफ भी इतनी ही गहनता से ये साधनाएं करेगा तो इसमें साइंस से भी ज़्यादा अधिक उपलब्धियाँ इसको प्राप्त होंगी। क्योंकि अध्यात्म जो साइंस है वो इस मटेरियल साइंस से अरबों खरबों गुना उत्तम श्रेष्ठ और ताकतवर है। अब आपको पहले थोड़ा सा ये पहचान करवानी है परमात्मा सचमुच वही है जो कबीर जी, कबीर परमेश्वर में जो गुण है, कबीर परमेश्वर जी में जो लक्षण है, जो हमने 600 वर्ष पहले उनके विषय में लिखा हुआ आज पढ़ा, तो वो वेद भी समर्थन कर रहे हैं। देखिएगा पवित्र वेद हमें क्या परमेश्वर की बारे में क्या बता रहे हैं। परमेश्वर कहा करते थे कबीर जी, वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलू वो वेद जानते नाही। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान मैंने बताया है अर्जुन, कोई ऐसी अनुष्ठान करता है, कोई ऐसे अनुष्ठान करता है, कोई ऐसी साधना करता है, इस प्रकार की बहुत विस्तार से साधना है ब्राह्मण मुखे। अब गीता जी को आप पढ़ोगे तो आपको उसमें अनुवाद गलत किया मिलेगा। उन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद लिख दिया और मुखे का अर्थ लिख दिया वाणी, वाणी उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, जबकि लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे का अर्थ आप देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ, वहां इन्होंने ही अनुवाद किया है अनुवादकर्ता गीता प्रेस गोरख वालों ने, गोरखपुर वालों ने, कि उसमें लिखा है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परम यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर। तो यहाँ हम सचिदान जो ब्रह्मण का अर्थ है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ हमने ब्रह्मण का अर्थ लिख लेना चाहिए सचिदानंद घन, बाकी ठीक है। मुखे माने वाणी में, सचिदानंद घन की वाणी में अर्थात पांचवें वेद में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर के मुख से उच्चारित, मुखे माने मुख में जो मुख से उच्चारित मुख्य ज्ञान में, उसमें विस्तार से कहे गए हैं। तो वो परमात्मा कहते थे कि वेद मेरा भेद है, मेरे ही विषय में बता रहा है, पर मैं मिलो वेदन में नाही, मैं वेदों की मैं वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें ऑप्शन छोड़ दी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला मानता है, कोई जन्म ना लेने वाला, कोई साकार कोई निराकार, इसका विशेष ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। वही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को, उस पांचवें वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत जे परमात्म तत्व के बारे में यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वेद माने ज्ञान, जिस ज्ञान से वो पांचवा वेद जो है उसमें लिखी है परमात्मा की महिमा की वाणी, उसके पाने का विधि, कौन सा सतनाम है, वो दो अक्षर का नाम कौन है, सार नाम क्या है, तो ये वेदों में और गीता जी में नहीं है। इसलिए कहता है जौन वेद से, जिस ज्ञान से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नहीं। अब देखियो वेद परमात्मा का भेद कैसे बता रहे हैं कबीर जी का परम अक्षर ब्रह्म का, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब मैं आपको दिखाएंगे। ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। कहाँ से मुद्रक है, मुद्रित है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस नई दिल्ली दरियागंज, नई दिल्ली दरियागंज नई दिल्ली।
अब इसके देखिए सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26-27 आपको पहले दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 यानी 86 मंत्र नंबर 26 इसमें क्या है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने साधना अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों यानी साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके सब रास्ते खोल देता है, खोलता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता हुआ, नष्ट करता हुआ और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने वास्तविक रूप जो तेजो में रूप है उसको हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके करता हुआ, वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर, अब यहाँ देखें इसको कबीर अचो, इन्होंने इसको लिख दिया ऐसे कवि ही, हम इसको कबीर भी बोल देते हैं, हम इसको कबीर देव भी कह सकते हैं, कबीर भगवान, हम कबीर देव बोलने लगे हम इसको अपभ्रंश करके, ये है ऐसे ही, वेद इसको कवि बोलते हैं हम उसको कबीर कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर ऐसा बोलते हैं, वो कबीर है कबीर देव है, हम यहाँ कबीर देव भी लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा है वो परमात्मा सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलता हुआ, वर्णीय पुरुषों यानी श्रेष्ठ मनुष्यों को अच्छी आत्माओं को मिलता है, प्राप्त होता है, आता है। आगे देखो 27 में क्लियर कर दिया, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं, प्रकाश पुंज परमात्मा वो तेज पुंज का भगवान, गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज तन दे धर कर अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, यहाँ इसलिए इस प्रकार आके मिलते हैं हमारे को, तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वर्तियाँ विषय करती हैं, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है यानी सतलोक में जो रहता है उसके आखिरी हिस्से पर विराजमान है, वो वहाँ रहता है, प्रकाश रूप है और वह प्रकाश रूप है यानी तेजों में है, उसको बुद्धि वृत्तियाँ प्रकाशित करती हैं। अब देखो 82, अब देखिएगा 82 में 82 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82, इसमें 1, 2, 3 ये आपको श्लोक दिखाते हैं जो कति क्लियर करेंगे, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 1, जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों को हरण करने वाला यानी पाप नाशक, वह राजेव राजा के समान राजा की तरह यानी एक वृंद का मुखिया, लाखों करोड़ों शिष्यों का एक मुखिया गुरु रूप में राजा के समान दर्शनीय है, के समान दर्शनीय है यानी देखने योग्य है, साकार है, वेद बता रहे, और वह क्या करता, वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होगा, वह वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, भक्तों वर्णीय माने अच्छे पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है, अच्छे भगत हैं जो पक्के, जिस प्रकार विद्युत
सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त, जैसे विद्युत माने बिजली की तरह, बिजली की जैसी गति से कहते हैं परमात्मा, कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में, इतनी देर में सतलोक से चलकर अपने भगत के पास आ जाता हूं, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, हिरणाकुश उधर उदारिया और रावण मारा खेत। कहती ये सब खेल हमारे किए हुए थे, तुम अनजान पड़े में किसी और प्रभुओं पर महिमा लादे हुए थे। अब यही वेद बताते हैं कि वो अपने श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है और बिजली जैसी गति से, नानक साहब कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे, वो नीच जात दानक रूप रहा करतार, कहते नीच जात परदेसी मेरा छिन आवे छिन जावे वे, एक सेकंड में यहाँ, एक सेकंड में, सेकंड के भी कोई हिस्सों में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वहाँ पहुँच जाता है। अब यही वेद बता रहे हैं, यही आँखों देखा वो संत बता रहे हैं जो परमात्मा के गवाह हैं, साक्षात कर किए हुए हैं, साक्षी हैं। अब दो में देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर एक आप 9 का 82 सूक्त आपने मंत्र एक पढ़ा, अब दो में देखो, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से, तत्व ज्ञान प्रसार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, आके अच्छी आत्माओं को मिलते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली की तरह समान हमारे अध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होता है वहाँ आप तुरंत पहुँच जाते हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप कबीर हैं, हम इसको कहते हैं आप कबीर देव हैं। यहाँ पर लिखा है ये कबीर वेदस्य वेदस्य, अब यहाँ इन्होंने लिख दिया वो आप सर्वज्ञ हैं, हम इसको लिख दें आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें और प्रेम भाव से उत्पन्न करते पवित्रता को प्रा उत्पन्न करें। आगे देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 के तीसरे मंत्र में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहां से कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में रजा पैठू पाताल गरीबदास ढूंढता फिरूं, कबीर जी कहते हैं अपने हीरे माने लाल, सर्वव्यापक आप है। ये आप है शब्द है, आप है आप है। यानी सर्वव्यापक इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, जैसा भी फिर भी स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चलकर विराजमान होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, साकार है, तीसरे ऊपर सतलोक में तीसरे हिस्से में यानी टॉप मोस्ट प्लेस्ड पर रहता है, क्योंकि सतलोक के भी 3 विभाग हैं वहाँ पर, ऐसे ही काल ने भी ब्रह्म लोक के 3 विभाग किए हुए हैं अपने स्वर्ग के, स्वर्ग लोक के, सतलोक के नहीं स्वर्ग ब्रह्म लोक के, क्योंकि काल ने उस सतलोक की ही डुप्लीकेट यहाँ नकल की हुई है इस जीव को भ्रमित कर भ्रमाए रखने के लिए। अब वो परमात्मा यहाँ किस उद्देश्य से आता है ये तो आपने देख भी लिया और भी क्लियर करते हैं कि वो उपदेश देने के उद्देश्य से, यानी सच्चा ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ भक्तों को आकर मिलता है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, सबसे आसान काम है और सबसे आसान विधि है प्रभु की भक्ति, और परमात्मा की सच्ची भक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक कोई भी कार्य आप करते हो पेट के लिए, जैसे खाना बनाना ही होता है बहन बेटियों को, कितना जुगाड़ जोड़ती हैं कि तो चमटा पलटा कि तो लकड़ी गुस्से उपले सिलेंडर फिर कि तो पतीला फिर माचिस लाइटर हैं और फिर आटा बेसन गूंदा गांधी बिरानी कितने करके फिर रोटी बने, और परमात्मा का नाम, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, ऐसा मंत्र दे रखा परमात्मा ने
चलते फिरते याद हो जाए दो चार दस बार उनको याद करने में, और फिर सांस का सिमरण है। सांस तो आवे ही आवेगा, थोड़ा सा ध्यान और ला ले, सांस आ रहा है जा रहा है, इस पर वो मंत्र और ला ले, इसके साथ जोड़ दे। चलते फिरते बस में सफ़र में कहीं भी आप जब भी टाइम लगे जब वह भक्ति कर, उसमें ना कुछ इकट्ठा करना, ना किता अग्नि जलानी, ना आटा गूंदना, ना कोई चमटा पलटा कड़छी इकट्ठी करनी, कितना आसान। लेकिन हमें ये ज्ञान मिला को नहीं, हमारे को तो वो मिल गए, वो हठ योग करने वाले जंगल में बैठ गए धूणा पर तपें, कि तो बर्फ में खड़े हो गए जोटियाँ की तरह, कि तो जल में खड़े हो गए। हमने सोचा करते भाई ये पाओगे भगवान मारा नंबर नहीं, अब पता चला वो तो डले डोया करते, वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे। अब आपको दिखाते हैं और परिपक्व करते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1। ये कबीर देव है, कबीर देव स्पष्ट है, कबीर देव वह परमात्मा, कबीर का अर्थ लिया है ना मेधावी, और अवे माने सबका रक्षक, अवे अवे होता है वैसे अविनाशी, सबका रक्षक, देव विते विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है वह है कबीर परमात्मा। अब मान लें इनकी बात को कि वह कवि, वो कवि रूप में आता है, वैसे वो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में वो स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव है, और वो अपनी महिमा की वाणी अपने पांचवें वेद को, इस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल बोल कर उच्चारण करके आवाज़ लगा लगा कर बोलता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो होता है प्रभु। तो यहाँ भी वही बताते हैं कि वो परमात्मा वो कबीर वाणी के द्वारा अपना ज्ञान देता है। वही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सच्चिदानंद घन की वाणी कहा है, लिखा है ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ उसी के विषय में देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में वह परमात्मा कवि, कबीर देव, ये कबीर मेधावी है और वो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, और सहनशील है संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। वैसे तो बहुत से प्रमाण और भी हैं, एक और भी दिखाना पड़ेगा आपका कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। अब फिर देखिएगा यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17 और 18, 19, 20 में प्रगति क्लियर किया हुआ है कि वो कबीर भगवान है, क्योंकि इस 16वें मंत्र में पूछा है हे परमात्मन, यानी वेद ज्ञान दाता ब्रह्म आपे ही प्रश्न करा है कि हे परमात्मन आपके सर्वप्रिय रहस्य चारू नाम, ये संस्कृत देखो नाम, इसका अर्थ आगे करना था, चारू माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम ही लिखना था, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, आपका जो वास्तविक यानी श्रेष्ठ नाम है वो बताओ कौन सा है, उसके बारे में क्या बताया है। यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके, शिशुम जगानम हरियतम मर्जंती सुबंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संसोम पवित्र अतेति रेभन, रेभन माने ऊंची आवाज में बोलना, और कबीर गिरभी माने कबीर वाणी। यहाँ देखो इन्होंने कवि का अर्थ लिख दिया कवि लोग, और गिरभी का अर्थ वाणी द्वारा कर दिया, हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा,
कवि लोगों वाणी द्वारा नहीं, कवि लोग वाणी द्वारा नहीं, कवि कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा वो कविताओं से, यानी कविताओं की कविताओं कविताओं से माने कविताओं के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। वो गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अभी इन्होंने अनुवाद नहीं कर सके क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। तो आगे देखना, इसमें 18वें श्लोक में वो बताया कि वो तीसरे धाम में रहता है, वो परमात्मा जो कबीर देव है, जो सबका मालिक है। इसमें स्पष्ट किया है, ऋषि मना ये ऋषि कृत सरस्वा सवरसा सहस्र अणिथ है पदवी कविनाम, तृतीय धाम में महसी शिष्य संत सोम विराजमानु राजती सतुप। अब सतुप माने होता है गुम्बज, यहाँ देखिएगा, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए जो महानुभव परमात्मा तृतीयम धाम, तृतीयम यानी तीसरे धाम माने स्थान में, ये इन्होंने अनुवाद अपने हिसाब से किया, देवयान और पित्रान पित्रियान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम, उस तीसरे मुक्ति धाम में उसमें विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी और घसोड़ दिया अपनी तरफ से, जबकि ये इसमें ज्ञान योगी मूल संस्कृत में कितना नहीं है, भगवान की मई मागा रही है, योगी का के मतलब बीच में घसोड़न का। तो ये कहते हैं वो विराजमान, वो परमात्मा वहाँ विराजमान है। इसका अनुवाद तो आप देखोगे दास के द्वारा किया हुआ, वो आपको मिलेगा। अब हम ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर जी हैं जो बनारस में आए थे 600 वर्ष पहले, और वो अपने दृढ़ भक्तों को श्रेष्ठ आत्माओं को आकर स्वयं मिलते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी भी हैं जो बांधवगढ़ के अंदर पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण इसी लोक वेद के आधार से पूरी दृढ़ता के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर मानकर, सर्वेश्वर मानकर, महेश्वर मानकर इन्हीं की पूजा किया करता था। ब्रह्मा की नहीं करते थे हम, विष्णु और शिव की पूजा करते थे। उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी को ही मानकर उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करते और सुनते थे। इसी प्रक्रिया में धर्मदास जी लगे हुए थे। तो परमात्मा उनको बांधवगढ़ में मिले ना, वहाँ मथुरा में मिले, वृंदावन में वहाँ तीर्थ करते हुए जा रहे थे, वहाँ परमात्मा मिले, फिर उनको पूरा ज्ञान समझाया। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे थे आज 600 वर्ष पहले यही बताया जो आज वेद बताते हैं कि वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को जो फिर टूटे तोड़े नहीं, टूटे थे संसार कुछ भी कहे, इतनी अच्छी आत्माएं जो हों प्रभु के चाहने वाली। उनमें से कौन कौन है, आधा दर्जन तो ये दास सेतुदेव दास परिचित है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनको भगवान स्वयं आकर मिले हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी गांव छुड़ानी जिला जद्दर हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा संत साहिब जी, और आदरणीय महर्षि रामानंद जी काशी वाले। इन सातों से ये दास परिचित है जो अच्छी आत्माएं थी जिनको परमात्मा स्वयं आए और उनको स्वयं ही अपना परिचय दिया, अपना ज्ञान कराया, तत्व ज्ञान से उनको ओतप्रोत किया। अब क्या बताते हैं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही ये एक राम न्यारा। इन सब से एक और राम न्यारा है। अब
जो प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी और सभी पवित्र हिंदू धर्म आज से पहले यानी इस दास के द्वारा सदग्रंथों का रहस्य उद्घाटन करने से पहले कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सती थी से यथार्थ रूप में परिचित नहीं थे। सभी ब्रह्मा जी को अजन्मा मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं है, जबकि परमेश्वर 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे इनका जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। अभी आपने श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे स्कंद प्रश्न नंबर 123 पर देखा, विष्णु जी कहते हैं कि हमारा तो जन्म आविर्भाव जन्म तिरोभाव में मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हम ब्रह्मा और विष्णु हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं, आपकी संतान हैं। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, हम आपके तीनों गुणों से उत्पन्न, हम ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही के तीनों गुणों से उत्पन्न है, अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और वो ज्ञान परमात्मा वेदों और गीता पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में कि जन साधारण समझ ले किसी प्रकार मेरे ज्ञान को, लेकिन हमने विश्वास नहीं हुआ अपने भगवान पर, उस लाल को हम पहचान नहीं सके क्योंकि हम लाल पहचानने योग्य नहीं थे। अपने आत्मा एक कथा सुनाऊंगा आपको, सुनाता हूं, बाद में परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाता हूं। एक समय एक नगर में दो लाला जी रहते थे, दो भाई, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे। अब उनके पुत्र की मृत्यु, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लड़के ऐसे ही थे, कोई 16 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का, एकदम अंधेरा छा गया। उनकी माता ने जब उनके क्रियाक्रम से निमट लिए, माता जी ने कहा, बेटा तुम अपने ताऊ जी से, यहाँ हरियाणा में ताऊ कहते हैं पिताजी के बड़े भाई को, यानी इल्डर अंकल कह लो अंग्रेजी में को होता है, तो उस ताऊ जी ते आप जाओ मिलो और उनसे प्रार्थना करो कि आपको कुछ दिन पार्टनरशिप में, आपको अपने उस व्यवसाय में बिजनेस में हिस्सेदारी कर लें, हिस्सेदार बना लें, और बेटा मेरे पास तेरे पिताजी के समय का, तेरे पिताजी के समय के ये लाल रखे हैं, एक पोटली में बांध रखे गांठ गठड़ी में, इतने सारे अच्छे, और वो छुपा कर रख रखी थी, अगले बेटा ये लाल ले जाओ, तेरे ताऊ जी को दे देना, और उनको कह देना कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, आप ये लाल रख लो, इनके फिर पैसे हमारे पास हो जाएंगे, जब लाल छुड़वा लेंगे आप हमारा हिस्सेदारी कर लो। तो बच्चों ने जाकर ऐसा ही जैसा माता जी ने कहा था, बच्चों ने जाकर अपने ताऊ जी से, इल्डर अंकल तय, जाकर कहा कि ताऊ जी मेरी माता जी ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, हमारे पास ये लाल हैं, पैसे नहीं हैं, इनको गिरवी रख लो और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम छुड़वा लेंगे, हमारा हिस्सा कर लो। तो वो ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो बगैर पैसे के ही तुम्हारा हिस्सा करने को तैयार था, तुम मेरे भाई के बच्चे हो, तुम मुझसे मेरे से दूर थोड़े ही हो, आपका दुख मैं थोड़ा ही देख सकता हूँ। पर उसने जब गठड़ी खोल कर देखा वह पोटली, सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वापस बांध कर नू बोला, बेटा इसको ले जाओ और तेरी माँ को कह दे चौकस रख लें, रख लेगी इन सबको, आवश्यकता होगी तब मैं मंगवा लूँगा तुम्हारे पर, तेरी माँ के पास से, अभी मेरी उधार बहुत चलती है दूर देश में, और तुम मेरे साथ चलो हिस्सा कर लो और फिर आके वापस जावांगे जब ले चल लेंगे। उन दोनों बच्चों को ने जाकर वो पोटली अपनी माता जी को दे दी और कहा, माता जी ऐसे ऐसे ताऊ जी कह रहे हैं। तो उसकी माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, आपका पैसा कभी ले लियो, आके चौकस रखूंगी, संभाल कर रख दिया। अब वो दोनों बच्चों को ले गया
दूसरे शहरों में जहाँ से वो माल खरीद कर लाता था, कुछ उधार भी लाता था। तो दोनों बच्चों को साथ लेकर बिजनेस किया, कुछ सामान बुक करा लिया कि इतना बोरी आटे की, गेहूँ की, इतनी बूरा की। तो एक स्थान से 50,000 रुपये का सामान उधार के लिए बुक करा लिया एक लाला जी ने, और कहा कि हम आपके पैसे फिर दे देंगे, वापस आएंगे। तब जब वो जहाँ रुके हुए थे तीनों, उनका अंकल और वो दोनों बालक जिस धर्मशाला में रुके हुए थे वहाँ आ गए। वहाँ आकर के उस ताऊ जी ने एक लाल उठाकर चमकली सी वस्तु गोल गोल उन बच्चों से कहा, बेटा जाओ ये लाल है, उस सेठ को दे दो जिसे 50,000 का सामान हमने उधार दिया है, और कहना ये लाल हमारा गिरवी रख लो, वापस हम आएंगे, तुम्हारा पैसा दे देंगे, अपना लाल वापस ले लेंगे। अब वो दोनों बच्चे गए सेठ जी से, कहा ले लाला जी, मेरे ताऊ जी ने कहा ये लाल है, इसको गिरवी रख लो, अपने पास रख लो, ये 50,000 का सामान हमने लिया है, फिर आएंगे जब तुम्हारे पैसे दे देंगे, लाल अपना ले लेंगे। अब उस सेठ ने बुलाया वो एक व्यक्ति जौरी जो लाल की परख करना जानता था, उसको दिखा के भी देख ये लाल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। उस जौरी ने अपना जंतर मंत्र करके चेक करा, कहने लगे भाई तो डुप्लीकेट है, लालड़ी है, लालड़ी लालड़ी है, ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, ये 50,000 की बात, 1,00,000 का, 1,00,000 रुपये का होता है वो लाल। तो अब उस सेठ ने जिसे पैसा लिया था वो गली में मारा फेंक के, और 36 सुनाई बली बुरी कि तेरे ताऊ जी भाई ऐसे इतना दिखा करते है, ये ठग हो गए, ठगे हैं, मैं के नट्टू था, फिर आके दे दो, इधर ठगन लग गए हैं, लाल की जगह लड़ी बतावें। तो खूब अच्छी बुरी कही, वो बालक डर गए, घबरा गए, एकदम चिंतित हो गए, गली में से लाल उठा कर आगे ताऊ जी से कहा, ताऊ जी वो लाला जी तो बड़ा निकम्मा, आप इस लाल को एक आदमी बुला, उसने कोई और दूसरी दुकान पर तय, उसने बोला ये लालड़ी है, लाल को नहीं, और लाला जी तो गणा गर्म हो गया, बाहर फेंक दी सड़क पर, अन्य बोला ये तो 200 रुपये की भी कोई ना लालड़ी, लाल तो 1,00,000 रुपये का उसे है, तुम ठग हो, तुम्हारा ताऊ ठग तो नहीं था, पर ठगन क्यों लग गया हमारे को, ऐसी क्या आपत्ति आ गई, मैं क्या मना करूं था उसको उधार से। अब वो ताऊ जी तो जान था कि के क्या रिएक्शन होगा इनके साथ, तो फिर वो कहता रहे बेटा वो सेठ गलत नहीं भाई, ठीक कह रहा था, ये तो लालड़ी है रे, सचमुच मेरे से गलती से दे दी बेटा, अरे देख लाल तो ये रखा इधर, देख वो उठा कर दूसरी तरफ से, अरे दिखा बेटा, ओहो भाई वो ठीक बोल रहा था, लाल तो ये रह गया बेटा, धोखे से मैंने लालड़ी दे दी, यह तो सचमुच एक आने की भी कोई ना बेटा, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो धोखा देने दे साथ रखूँ मैं, कोई चोर ठगावत इसने लेकर भाज जा, ओरिजिनल ना छेड़ा, इसलिए ले रहा था बेटा इसको। अब जाओ एक दोबारा उस सेठ को कहो मेरा ताऊ जी जो है बेईमान नहीं है, ये शब्द आप आगे से मत कहना, और ले तेरा लाल रख ले गिरवी। वो दोनों भाई गए, उन्होंने भी देखा ढंग से सचमुच तो दिन रात का अंतर है लाल और लालड़ी में। उस सेठ को जाकर सारी कहानी बताई कि हमारा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, गलती से धोखे में वो लालड़ी दी गई, देख लाल दिखा ले तेरे किससे ना। तो उसने फिर वही व्यक्ति बुलाया सेठ ने, उसने आते ही चेक करके बता दिया हाँ ये लाल है, ओके है। अब वो सेठ जिससे उधार ली थी वो कहता है देख देखो बाल को देखो थरा क्यों तो ये ऐसा हो सा लाल है, कहने का भाव ये उन बच्चों का ऐसा झटका लग गया, वो घटना वो भूल नहीं सके, और लाल और लालड़ी की पक्की दृढ़ निश्चय हो गया कि इसी लाल है, ऐसी लालड़ी होती है, और लालड़ी तो एक आने की भी कोनी। दोनों बच्चे और वो ताऊ जी लेकर अपना सामान जहाज के द्वारा घर आ गए। ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ तुम्हारी माँ पर वो लाल ले आओ, और फिर चलेंगे ना कल परसों वापस, तो उन लाल ले चलेंगे,
और भाई और सामान किसी का कई उधार हो रही है उन्हें ठीक दे दिवा का अपना कर्जा उतारेंगे। दोनों बच्चे भागे गए घर पे और जाते कहते माँ माँ वो लाल दे। माँ बोली आगे बेटा आ जाओ रोटी खाओ। जो बोले रोटी पाछे खाओ खाना पीछे खाएंगे पहले लाल देव का जल्दी निकाल। ताऊ जी को दे के आते हैं बहुत पैसा कुछ कर्ज हो गया और वो कहते भाई ये ले आइयो वो लाल। उसकी माँ बोली ले बेटा न्यो के न्यो रख रखे मैंने तो संभाल के। और बलका ने सोची तुम देख लो लाल है लालड़ी के ताऊ जी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उन्हें वहीं खोल कर देख लिया वो लालड़ी थी लाल नहीं थे। माँ तो उनको लालों लाल समझ के गिठड़ी बांध के संभाल के रख रही थी और बच्चे इस परख करने योग्य कर दिए उस सेठ ने ताऊ जी ने कि अपने लाल और लालड़ी ने वो आप पहचान लिया। ताऊ जी ने ना कहना पड़े वो पता तो था उसको कि लालड़ी है लाल नहीं। तो वो लड़के कहने लगे माँ उड़े पटक दिए ठा के उन बच्चा ने वहीं पर चूल्हे में। कहने लगे माँ आप तो कति भोली हो आपने कुछ किसी बात का ज्ञान नहीं ये लाल को नहीं लालड़ी है। लाल तो 1,00,000 रुपये का उस है 9,00,000 रुपये का और ये तो एक आने की भी कोई ना 200 रुपये की भी कोई नहीं। तो मामा बोली बेटा मैंने तो पता नहीं तेरे मैंने तो सोचा लाल है तेरे पिताजी के समय के रखे हुए थे। अब वो दोनों बच्चे फिर पिता ताऊ जी के पास गए उनका चेहरा उतरा हुआ था। ताऊ जी तो जान गया कहा बच्चे आप पर करकाए हुए। कहने लगे ताऊ जी मेरी बाह नवा बिल्कुल सादी बोली है उसको पता कौन नहीं वो लाल को नहीं थे ताऊ जी लालड़ी थी लालड़ी। तो ताऊ जी बोला बेटा जिस दिन तुम लेकर आए ना ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लाल को ना लालड़ी है त्रीमा सत्यरों लाने दे हो नो कहे मेरा पति मर गया मेरे लाला ने भी लालड़ी बतावा जियो हैं चोर है। और बेटा मैंने आप ना कह करके आपको इतना शाणा कर दिया लाल और लालड़ी की परख करने योग्य कर दिया आपने पटक दिए ठाक हुए। तो ये दास चाहता है कि इस पवित्र मानव समाज को लाल और लालड़ी यानी ओरिजिनल ज्ञान और डुप्लीकेट ज्ञान की पहचान करने योग्य बना दूँ ताकि आप अपने अपने मजहब के जो दंत कथाओं में बने हुए जो ज्ञान है उनको आप पटक दो ठाक है। इस दास ने घना ना कहना पड़े। तो ये प्रत्यक्ष दिखा दिखा के लाल और लालड़ी आमने सामने रख के आपको जोर ही बना रहा हूं। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो लाल वो रखे थे जिनको इन अज्ञानियों ने लालड़ी बता रखा था और जो लाल हमारे सदग्रंथों में छुपे थे वही लाल सदग्रंथों में गीता पुराण और वेदों में वही परमेश्वर की वाणी में। वो वेदों और गीता को तो सही मानते थे कि ये सत्य है लेकिन वो जानते नहीं थे इसमें सत्य क्या है असत्य का प्रचार करते थे। वो लाल की आड़ में लालड़ी बेचा करते थे लालड़ी देते थे दुनिया को निर्धन बना दिया भक्तिहीन कर दिया। शास्त्री विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता ना उनकी गति होती और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता कोई सिद्धि प्राप्त भी नहीं होती। प्रमाण है गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब वो परमात्मा क्या बताते थे धर्मदास ये जग बोरा ना कोई न जाने पद निर्वाणा के धर्मदास ये पूरा विश्व विचलित है कोई भी पूर्ण मोक्ष मार्ग निर्वाण मार्ग से को नहीं जानता कोई भी नहीं जानता। उत्तरा गजब हो ये कोई भी नहीं जानता या और बात बिगड़ जाती है। परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं तेरे ब्रह्मा विष्णु इसी बोल में मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग बोलिया पाया किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं था इसी बोल में ब्रह्मा बोलिया जिसने चारों वेद सरसाया और वेद पढ़ के पंडित बोलिया वो मर्म भेद नहीं पाया इसी भूल में विष्णु बोलिया जिन्हें वैष्णो धर्म चलाया और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव भरमाया इसी भूल में शंकर भूलिया जिन भिक्षुक पंथ चलाया
और सिर पर जटा, हाथ में खप्पर, घर घर अलख जगाया।